which plants nearby you did not require water regularly, how do they get water? आपके पास में कोई ऐसे plants हैं जिनको पानी की regularly ज़रूरत नहीं है, रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पानी कैसे लेते होंगे? How do they get water? Look at the pictures of the vegetables given below and find out which ones are the roots from them. ये pictures में आपको बताना है कि इसमें roots कौन से हैं और vegetables कौन से हैं. तो इसमें roots हैं radish, carrot and beetroot. These are the roots and other vegetables like brinjal, cauliflower. These are the vegetables. Ratan would have many questions about the plants. Ratan के पास बहुत सारे questions थे plants से related. She saw the plant growing out from the wall of the school. उसने देखा कि इसके स्कूल के बाहर की जो वॉल थी वहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा था. She was surprised. उसको सरप्राइज मिला कि अरे वॉल में से भी प्लांट ग्रो होते हैं. She thought. उसने क्या सोचा? How deep the roots of these plants would go? जो इस प्लांट की जो roots है वो कितना डीप होगी? How will the roots get water? उनको पानी कैसे मिलता होगा? How big will these plants be? ये कितने बड़े प्लांट्स हो जाते होंगे? वॉल में जो प्लांट्स हैं वो कितने बड़े हो जाते हैं जिससे पूरी वॉल ढक जाती है? व्हाट वुड हैपन टू दिस वॉल? ये वॉल के साथ आगे क्या होगा? कैन यू टेल द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर? आप नाम बता सकते हो? कैन यू नेम द प्लांट जो वॉल में ग्रो हो रहा है? हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस? आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है इसी तरह से जो क्रैक में से ग्रो हो रहा है, वॉल की क्रैक में से ग्रो हो रहा है? कहाँ देखा है वो आपको बताना है. और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो आप अपने एल्डर से पूछ के नोट डाउन कर सकते हैं. रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ द फील्ड. शी रिकॉर्ड द नेम ट्री ऑफ हर स्कूल. शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ दैट ट्री. शी थॉट. रतन ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा जो पेड़ है वो गिरा पड़ा है. शी रिकॉल. उसको याद आया कि ये तो वही नीम ट्री है जो मेरे स्कूल के बाहर था. शी कैन सी द डैमेज रूट्स. उसने क्या देखी कि जो रूट्स थी उस ट्री की वो डैमेज हो चुकी थी. उसने क्या सोचा? हैज़ समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इट सेल्फ. क्या किसी ने इसको गिरा दिया है खींच के या फिर खुद से गिर गया है? हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. इस ट्री की कितनी एज होगी? हाउ विल द ट्री गेट वाटर From between the rocks at the edge of the field. जो rocks के बीच में जो trees होते हैं वो trees कैसे पानी लेते होंगे? Let us talk. चलो देखते हैं, चलो आगे बात करते हैं. Which are the old trees in your area? आपके area में कौन से पुराने पेड़ हैं? How old are they? उनकी age क्या है? No. From your elders, आप आपके बड़ों से, आपके elders से पूछ के यहाँ पे लिखेंगे. Write the names of the animals living on the tree. आपको animals के name लिखने हैं जो trees पे रहते हैं. As you know, monkeys, squirrel, ठीक है students? Have you seen any huge tree fallen down? आपने देखा है कि कोई बहुत बड़ा tree है जो गिरा हुआ है? What do you think when you saw it? आपने क्या सोचा जब वो गिर गया था? Strange, freaky, weird root. अब यहाँ strange मतलब कभी, मतलब अजीब सी, freaky मतलब colorless, weird मतलब बिल्कुल बेकार सी root. Have you even swung on banyan tree? Banyan tree ऐसा है जिसपे हम उसके roots पकड़ के झूला झूल सकते हैं. तो आपने कभी banyan tree पर झूला झूला है? What did you hold to swing? आपने किसको होल्ड किया था जब आप झूला झूल रहे थे? हाउ डू द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक. जो उसके ब्रांचेस थी वो किसकी तरह नज़र आ रही थी? इट इज़ द रूट ऑफ बनियान ट्री. वो क्या थी? बनियान ट्री की रूट्स थी. इट इज़ कॉल्ड प्रॉप. उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉप. दैट इज़ एरियल रूट्स. देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वो एरियल रूट्स हैं और उसको बच्चे होल्ड करके स्विंग कर रहे हैं. It grows from the branches and touches the ground. वो कहाँ से grows होती है? Branches में से grow होती है और कहाँ पे touch होती है? Ground पे touch होती है.